आज हम इंसान इतना आगे इसलिए आ पाए हैं क्योंकि पिछले 200 सालों से हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट होती जा रही है। 19वीं और 20वीं सदी में इंटरनेट नहीं था, इसलिए आप अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने के लिए बड़े बड़े फाइनेंसर और कंपनीज के पास जाते थे। अगर वह उस प्रोजेक्ट से सहमत होते थे तो वह उसे लॉन्च कर देते थे और उसके बाद ही वह टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आ पाती थी। लेकिन कई बार कुछ टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होने के बाद भी दुनिया के सामने इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि उनसे किसी बड़े बिजनेसमैन को लॉस हो रहा होता था। ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला के भी केस में हुआ था और उनके अलावा भी ऐसे कई सारे केस हैं जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजी को मात्र इसलिए दबा दिया गया क्योंकि उससे किसी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी बताने वाले हैं जो काफी समय तक दुनिया से छुपाई गई, लेकिन अंत में हमें उनके बारे में पता चल ही गया। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार्स। आज आपको हर जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुनने और देखने को मिल रही हैं। अब ऑलमोस्ट हर कार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही प्रोड्यूस करना चाहती है क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है और इसे व्हीकल ऑफ फ्यूचर माना जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में इलेक्ट्रिक कार 150 साल पहले ही आ चुकी थी। इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले रॉबर्ट एंडरसन नाम के एक इंसान दुनिया के सामने लाए थे। उन्होंने 1832 में एक प्रोटोटाइप कार बनाई थी जो उस समय चलने के तो काबिल नहीं थी, लेकिन उसका मैकेनिज्म बिल्कुल सही से काम कर रहा था। फाइनली 1870 के दशक में उस इलेक्ट्रिक कार को बनाने का सपना पूरा होता है। ये अभी उतनी भी ज्यादा सही नहीं थी कि यह सड़कों पर चल सके, लेकिन दुनिया में व्हीकल रिवॉल्यूशन चालू हो चुका था। आज जिन इलेक्ट्रिक कार्स की इतनी ज्यादा हाइप है वह 100 साल पहले अमेरिका में काफी ज्यादा कॉमन थी। पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही हुआ करती थी और पहली प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार 1884 में थॉमस पार्कर नाम के इंसान द्वारा बनाई गई थी। हर जगह इन कारों को लग्जरी माना जाता था। 20वीं सदी में यह कार यूरोप और अमेरिका दोनों ही जगह काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और यह चारों तरफ दिखाई देना भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। 1912 में हेनरी फोर्ड नाम के एक इंसान ने गैस पावर्ड व्हीकल बनाई जो पेट्रोल से चलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन या फिर गैस कहा जाता है। हेनरी फोर्ड एक अच्छे बिजनेसमैन थे और इसलिए उन्होंने कार मैन्युफैक्चर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका इन्वेंट किया था। यह तरीका आज हर कार कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका था असेंबली लाइन का। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन इसके बाद डिस्कवरी होती है टेक्सास ऑयल की। यहाँ पर काफी सारा कच्चा तेल मौजूद था जो प्यूरिफाई करने के बाद गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ पर काफी सारी कंपनी सेटअप होने लगी और उन्होंने अमेरिकन सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वह पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे। यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आज हमारी सरकार इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा दे रही है। अब अमेरिका के पास पेट्रोल भी था और एक असेंबली लाइन भी, जिसके जरिए तेज रफ्तार से पेट्रोल कार मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई और 1935 तक आते आते सारी इलेक्ट्रिक कार्स सड़कों से गायब हो गई। 1930 में मिडिल ईस्ट में भी काफी सारी ऑयल माइंस की डिस्कवरी हुई, जिससे यह प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो गया। यहाँ बिल्कुल क्लियर रूप से यह पता चलता है कि सरकार और कंपनीज ने अपने स्वार्थ के लिए इतने अच्छे इन्वेंशन को दबा दिया। अगर उस समय इलेक्ट्रिक कार्स ही कॉमन हो गई होती तो आज हमें इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का सामना ना करना पड़ रहा होता। खैर, 1970 के दशक में मिडिल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस होता है, जिसकी वजह से वापस से इलेक्ट्रिक कार्स को चलन में लाने की मांग उठने लगती है। ऐसे में मर्सिडीज जैसी कंपनी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स के मॉडल को लॉन्च भी करती है, लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल कार्स की असेंबली लाइन सेट हो चुकी थी, इसलिए इतना बड़ा चेंज लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहे, लेकिन इनसे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। अंत में जुलाई 2003 में मार्टिन ईबरहार्ड और मार्क टर्पनिंग टेस्ला कंपनी को दुनिया के सामने लाते हैं, जिसका मकसद था दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स को वापस से बड़े स्केल पर लाना। इस कंपनी का नाम निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मास्टर थे। फरवरी 2004 में एंट्री होती है इस कंपनी के मसीहा की, यानी एलोन मस्क की। वह इस कंपनी में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं और अपने आप को CEO घोषित कर लेते हैं।
तब से आज तक उनकी मेहनत की वजह से टेस्ला इकलौती ऐसी कार कंपनी बन पाई है जिसने $1 trillion की मार्केट कैपिटलाइजेशन पार की है। आज यह सिर्फ इलेक्ट्रिक कार से ही नहीं बल्कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाते हैं जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रिक कार्स कुछ ज्यादा ही फेमस हुई है क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग के असर हमें बहुत क्लियर रूप से देखने को मिल रहे हैं। अब भारत की भी ऑलमोस्ट हर कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स के सेगमेंट में आ चुकी है। वेल, अगर 100 साल पहले ही हमने इलेक्ट्रिक कार्स को अपना लिया होता तो आज हमें यह दिन ना देखने पड़ते। नंबर 2, प्रोजेक्ट एक्से। आज स्मोकिंग की वजह से दुनिया में हर साल करीब 4,80,000 लोगों की जान जाती है। इसमें वह लोग तो शामिल ही हैं जो सिगरेट पीते हैं, बल्कि वह लोग भी शामिल हैं जो सिगरेट से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आते हैं। लेकिन आप यह जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि बहुत साल पहले ही एक ऐसे फॉर्मूला को ढूंढ लिया गया था जिसके जरिए सिगरेट पीने के बाद भी आपको कैंसर नहीं होगा। 1955 में एक तंबाकू कंपनी के रिसर्चर्स लेबोरेटरी में मौजूद चूहे पर रिसर्च कर रहे थे। उनका मकसद ये जानना था कि सिगरेट में ऐसी क्या चीज होती है जिसके जरिए कैंसर होता है और कैसे हम इन चीजों को सिगरेट से हटा सकते हैं। यह रिसर्च लिगेट एंड मायर्स द्वारा की जा रही थी जो आज अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है। इस प्रोजेक्ट पर एक वैज्ञानिक पिछले 12 सालों से काम कर रहे थे और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद वह एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी करते हैं। वह ये पाते हैं कि सिगरेट के अंदर मौजूद तंबाकू में अगर हम पैलेडियम नाइट्रेट को एक कैटलिस्ट के रूप में यूज करें तो उसके अंदर मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस सिगरेट की आग से जल जाते हैं। इससे तंबाकू के धुएं में कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर बचते हैं। उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिसके जरिए आप सिगरेट भी पी सकते थे और उससे आपको कैंसर का कोई रिस्क भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही लिगेट एंड मायर्स का यह आइडिया टोबैको यूनियन के पास पहुंचता है, उनके कॉम्पिटिटर्स फिलिप एंड मॉरिस इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगते हैं। उस समय लोगों को ये नहीं पता होता था कि सिगरेट इतनी ज्यादा हानिकारक होती है और इससे जान जाने का भी खतरा होता है, और इस बात को फिलिप एंड मॉरिस दुनिया के सामने लाना भी नहीं चाहते थे। वह दूसरी कंपनी के साथ अलायंस बनाकर लिगेट एंड मायर्स को टोबैको यूनियन से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं और मजबूरन उन्हें यह जान बचाने वाला प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। सिगरेट का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन होने के बाद भी लिगेट एंड मायर्स को मीडिया को ये बताना पड़ा कि रेगुलर सिगरेट हानिकारक नहीं होती है। उस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया गया और जाहिर सी बात है यह बाकी कंपनीज के प्रॉफिट बचाने के लिए किया गया था। आज यह तंबाकू कंपनीज हर साल चंद प्रॉफिट्स के लिए लाखों लोगों की जान ले लेती है और उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अगर उस समय लिगेट एंड मायर्स का यह इनोवेटिव आइडिया दुनिया में लागू हो गया होता तो आज सिगरेट पीने से किसी की भी जान नहीं जा रही होती। नंबर 3, डिजिटल कैमराज। आजकल तो स्मार्टफोन्स का जमाना है और कैमरा हमेशा ही हमारी जेब में रहता है, लेकिन करीब 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तब के जमाने में नॉर्मल कैमरा ही चला करते थे और उनमें से भी सबसे फेमस कैमरे होते थे कोडेक के। ये एक समय पर वर्ल्ड की टॉप कैमरा कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इनकी एक छोटी सी भूल की वजह से ये आज कैमरा रिवॉल्यूशन से इतना ज्यादा पीछे रह गए। जॉर्ज ईस्टमैन नाम के एक इंसान ने 1884 में कैमराज में एक बहुत ही जरूरी इम्प्रूवमेंट की। पहले के कैमराज में प्लेट्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जॉर्ज ईस्टमैन ने उसे रोल फिल्म वाली टेक्नोलॉजी में बदल दिया। इसके बाद कैमरा बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा और हर घर में एक कैमरा होने लगा। धीरे धीरे यह कंपनी बढ़ती गई और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कैमरा कंपनी बन गई। 1972 में कोडेक कंपनी की वर्ल्ड वाइड सेल्स ने $3 billion का बिजनेस किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1969 में हुई मून लैंडिंग में भी कोडेक कंपनी के ही कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह कंपनी बिल्कुल गायब ही हो गई? 1976 में यह कंपनी पूरे अमेरिका का 90% रील बिजनेस करती थी और पूरे अमेरिका में मौजूद 85% कैमरा इसी कंपनी के थे। कई लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोडेक कंपनी डिजिटल कैमरा रिवॉल्यूशन में आगे नहीं बढ़ पाई। इसकी वजह से वह टेक्नोलॉजी और दुनिया से काफी पीछे रह गई। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा कोडेक कंपनी ने ही 1975 में बनाया था। इससे पहले डिजिटल कैमरा नहीं हुआ करते थे और इसी कंपनी ने डिजिटल कैमरा रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी।
1975 में डिजिटल कैमरा इन्वेंशन करने के बाद कोडेक कंपनी के इंजीनियर और मैनेजर काफी ज्यादा खुश तो थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत भी थी। कोडेक कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनकी रोल फिल्म सेल करने के बिजनेस से आता था, और अगर वे मार्केट में डिजिटल कैमरा लॉन्च कर देते तो उनका यह बिजनेस खत्म हो जाता। इसी कारण उन्होंने डिजिटल कैमरा बड़े लेवल पर लॉन्च ही नहीं किए। लेकिन बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब क्योंकि डिजिटल कैमरा का आइडिया बाकी कंपनीज को मिल चुका था, इसलिए वह धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ने लगते हैं। सोनी, पैनासोनिक और कैनन जैसी कंपनीज बड़े लेवल पर डिजिटल कैमराज बनाकर उन्हें सेल करने लगती हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने लगती हैं। जब लोग डिजिटल कैमरा यूज करने लगे तो उन्होंने कोडेक के पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कैमरेज को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और ऐसे ही कोडेक कंपनी खत्म हो गई। डिजिटल कैमरे को इन्वेंट करने के बाद उस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने ना लाने की गलती कोडेक के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ी। आज ऑलमोस्ट सारी ही कैमरा कंपनीज का बिजनेस कम हो चुका है, क्योंकि हर फोन में अब इनबिल्ट बहुत अच्छे कैमरा आते हैं जो एक प्रोफेशनल कैमरे की नीड को खत्म कर देते हैं। नंबर 4, फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। निकोला टेस्ला के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वह एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक और इन्वेंटर थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन करके उन्हें पेटेंट करवाया। दुख की बात यह है कि उनमें से आधी से ज्यादा इन्वेंशन तो हमें उनकी मृत्यु के बाद पता चली। निकोला टेस्ला ने अपने समय से काफी आगे की सोच कर इन्वेंशंस की थी। उनकी बहुत सारी फेमस इन्वेंशंस में से एक था थॉट कैमरा। असल में वह अपने भाई की मृत्यु के बाद काफी ज्यादा अकेले रहा करते थे और पूरे दिन ही उसके बारे में सोचा करते थे। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उन्हें एक ऐसा कैमरा बनाने का आइडिया आया जो आपके थॉट्स को टीवी पर दिखाए। यानी वह एक ऐसे कैमरे को इन्वेंट करना चाहते थे जो आपके दिमाग में चल रही चीजों को एक स्क्रीन पर दिखा पाए। उस समय उन्हें रेटिना से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए थी जो उन्हें नहीं मिल पाई, जिस वजह से वह इन्वेंशन पर आगे काम नहीं कर पाए। भले ही यह इन्वेंशन पूरी ना हुई हो, लेकिन इससे हमें निकोला टेस्ला के ब्रिलियंट माइंड के बारे में पता चलता है। आज जापान के काफी सारे वैज्ञानिक ऐसे ही एक कैमरा पर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह एक हकीकत भी बनने वाली है। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट और इंडक्शन मोटर जैसे बहुत ही फेमस आविष्कार दिए। आज आपके घरों में जिस तरीके से बिजली पहुंचाई जाती है, वह निकोला टेस्ला ने ही इन्वेंट किया था। इससे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था, जो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है और उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर होता है। अल्टरनेटिंग करंट बनाने के बाद वह एक ऐसे आइडिया पर काम कर रहे थे जिससे वह दुनिया भर में बिना किसी तार के फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाए। यह आइडिया असली दुनिया में इन्वेंट भी हो गया और उन्होंने इसकी टेस्टिंग वार्डन क्लिफ टॉवर्स में की। इस प्रोजेक्ट को जेपी मॉर्गन नाम के बहुत ही मशहूर फाइनेंसर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने फंड किया था। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद टेस्ला उनसे और फंडिंग मांगने जाते हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन साफ इनकार कर देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेपी मॉर्गन कॉपर इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव थे और फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का मतलब था कि उनका कॉपर का बिजनेस बंद हो जाता और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। सिर्फ पैसे की कमी की वजह से निकोला टेस्ला अपने इस फ्री एनर्जी वाले आइडिया को पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए। आज भी यह चीज की जा सकती है, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करने देंगी क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन जीरो हो जाएगा। निकोला टेस्ला ने काफी सारी दिमाग हिला देने वाली इन्वेंशंस की थी, जिनमें से एक थी अर्थक्वेक मशीन। इस मशीन को ऑन करने पर जमीन में भूकंप आने लगता था और वह भूकंप एक बिल्डिंग हिलाने की ताकत रखता था। निकोला टेस्ला एक ऐसे डिवाइस को इन्वेंट करना चाहते थे जिसके जरिए वह बहुत सेफ तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफर कर पाए, लेकिन उनका यह इन्वेंशन फेल होकर एक अर्थक्वेक मशीन बन गया। आज इसे काफी सारे जियोलॉजिस्ट अपनी अपनी सोच में इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस को जमीन से अटैच कर दिया जाता है और वाइब्रेशंस को जमीन के अंदर भेजा जाता है। इनमें से कुछ वाइब्रेशंस वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, जिससे वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर का एक मैप डिजाइन कर लेते हैं। यह मैप उन्हें आगे की स्टडी करने में काफी ज्यादा मदद करता है। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस की थी, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। नंबर 5, सोलर सेल्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स आज के समय में काफी ज्यादा फेमस हो रही हैं, वैसे ही कुछ 10 साल पहले सोलर पैनल का एक रिवॉल्यूशन आया था,
जब हर कोई अपने घरों और फैक्ट्री में सोलर सेल्स लगाने में एक्टिव था। सोलर सेल्स की इन्वेंशन एक फ्रेंच भौतिक शास्त्री एडमंड बैक्विरल द्वारा 19वीं सदी में की गई थी, जब उन्होंने सूर्य की लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का आइडिया दुनिया के सामने रखा था, तो इसे ज्यादा लोगों ने नहीं अपनाया। उस समय इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा नया था, इसलिए लोग वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा विश्वास करते थे। 20वीं सदी तक आते आते सोलर पैनल चर्चा में आने लगे, क्योंकि अब फैक्ट्रीज बहुत तेजी से सेटअप हो रही थीं और सबको सस्ती एनर्जी चाहिए थी। उस समय एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों ने सोलर पैनल्स को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद यह पूरी दुनिया में फैलने लगे और आज ये एक बहुत ही बड़े रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलर पैनल बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन लोग इसे अडॉप्ट करने में काफी लेट थे। उस समय सोलर पैनल्स को अडॉप्ट करने का एक और कारण था इनएफिशिएंसी। एडमंड द्वारा बनाया गया सोलर सेल काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी तो था, लेकिन उससे सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी का मात्र 6% हिस्सा ही इस्तेमाल होता था। 20वीं सदी में जब उसमें मॉडिफिकेशन किए गए तो यह नंबर 22% तक पहुंच गया और सोलर सेल्स सब लोग ही अडॉप्ट करने लगे। उसके बाद 21वीं सदी में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों ने इन्हें और भी बड़े लेवल पर अडॉप्ट करना चालू किया। आज तो मार्केट में ऐसी प्रोटोटाइप कार्स भी हैं जिनकी छत पर सोलर पैनल लगा होता है और वे उस एनर्जी से ही चलती हैं। इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है और ना ही कोई पेट्रोल खर्चा होता है। तो ये थी दुनिया में हुई कुछ ऐसी इन्वेंशन जिन्हें लोगों को अडॉप्ट करने में काफी ज्यादा समय लगा। इनमें से कुछ तो ऐसी इन्वेंशन थी जो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी कंपनीज और सरकारें अपना प्रॉफिट बचाने के लिए उन्हें बड़े लेवल पर लॉन्च नहीं करने देती। आपको इन सभी इन्वेंशंस में से सबसे अच्छी इन्वेंशन कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।